तो भी आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ काले कपड़ों में और साइकिल में जा रहा हूँ। उससे पहले एक और चीज बता दूँ, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है मेरे लाइफ का, तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं जा कर रहा हूँ कपड़ा पहन के। तो हम जा रहे गाइस बैंक रॉबरी करने। भाई मेरे को पैसे की जरूरत इसीलिए क्योंकि आज जो स्पेशल डे है ना वो पैसों के बिना नहीं हो सकता गाइस। तो स्पेशल डे पता है क्या है, आज है हमारे प्यारे चॉप का बर्थडे। तो चॉप हमारे साथ रहता है और चॉप बहुत टाइम से रहता है उसका। तो हम आ चुके हैं बैंक के पास और हम इस बैंक से बहुत सारा पैसा कैश चोरी करनी और जाना है उस जगह पे जहाँ पर अपनी को गिफ्ट मिलेंगे, पार्टी वेयर मिलेगी। उससे पहले जरा चोरी को अंजाम देते हैं और वीडियो पे नहीं होना तो मेक श्योर वीडियो पे एक लाइक ड्रॉप कर देना भाई। यहाँ से कोई हिलेगा या कोई हिलाना सारा फोड़ दूंगा। पहले कैमरे को निपटा दिए भाई, पहले से ब्लैक पास तो पिन के आया हूँ बट मेरी जो हरकतें मेरी कांड है वो रिकॉर्ड ना हो जाए, इसलिए पहले कैमरे को टेक डाउन करने हुई। यहाँ पर कह रहा है तो पहले कैमरे को टेक डाउन करती, ये लास्ट कैमरा बचा शायद से एक और कैमरा अंदर की तरफ बचा जो तिजोरी की तरफ जाता है वहाँ पर एक कैमरा बचा उसको टेक डाउन करता हूँ फटाफट। भाई साहब ये लास्ट कैमरा स्माइल एक्शन कैमरा प्लीज। भाई साहब तो इसको भी टेक डाउन कर लिया है भाई, क्या ही कर रही है भाई, गर्मी डांस है ना उस टाइप गर्मी डांस कर रही लगता है ये। भाई साहब अभी कौन है यहाँ पर लॉकर वाला इंसान है, तू एक अच्छे बाजू में निकल फटाफट मेरे साथ चल और मेरे को मेरे निपटा के दे काम। भाई मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को आज शाम तक सब ऑर्गेनाइज करना है, पार्टी को पूरा प्लान करके सबको पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज करके बुलाना है। भाई साहब फटाफट निकल भी क्या कर रही है, वरना ठोक दूंगा तेरे को इतनी मैं। यार फटाफट निकल यहाँ से, चल फटाफट से वो ताला खोल और मैं यहाँ से लेके चोरी करके निकलूँ, क्योंकि भाई आपको पता है मेरे को दोपहर तक ये चोरी को अंजाम देना है और बहुत लोगों पार्टी को बुलाना भी और उसको गिफ्ट भी लेके देना और पूरा डेकोरेशन मैंने को अकेले करना। और मैंने शिनचैन को बोल के रखा है कि शिनचैन तो चॉप को घर पे आने मत दे, चॉप को पूरे दिन बाहर लेके चले जा। तो भाई सब इतने सारे कैश, भाई अब पार्टी नहीं जलसा होगा जलसा अगर ये सब कैश में लेके यहाँ से निकल गया ना पुलिस की नजरों से, तो भाई जलसा होगा अपना पार्टी का। तो भाई कितने ही कैश है यहाँ पर आप देख सकते हो, भाई इतने कैश का आप लोग क्या करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। भाई मैं तो आज चॉप को इतनी बड़ी पार्टी देने वाला ना, इतने ज्यादा मतलब भाई इतना महंगा गिफ्ट देने वाला ना उसको सकता नहीं है। पर यहाँ पर आगे भी कुछ पड़ा है कैश, उसको भी खा लेते क्योंकि भाई आपको पता है क्योंकि आज बहुत लोग आने वाले, खाने पीने का इंतजाम होने वाला है, तो भाई बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाले और मेरे पास कोई ढंग का काम है नहीं, तो यही जो भी पैसा है उसी से मुझे पूरा निपटाना पड़ेगा। देख रहे हो पुलिस ऑलरेडी मेरे पीछे लग चुकी है और बैंक के बाहर पूरी पुलिस खड़ी है और अब मेरे को डर भी लग रहा है कि भाई पुलिस से बच के कैसे निकलूंगा। बट मेरे को मालूम है एग्जिट प्लान, मैंने ऑलरेडी एग्जिट प्लान बना के रखा है कि वो जगह से मैं जाऊँगा तो पुलिस लोग घंटा पकड़ नहीं पाएगी। तो यार फटाफट कैश को भरते और यहाँ से निकलते बाहर की तरफ और मैं सोच रहा हूँ कि भाई कोई पुलिस वाले को मारूंगा नहीं क्योंकि भाई किसी को मारना अच्छी बात नहीं है, बट अगर ये कुछ मेरे जान पे आएंगे तो भाई मेरे को मारना पड़ेगा। मैं जा रही इज्जत करूँगा मारूंगा कम, देख रहा हूँ भाई गोली भी मैं आधी बार चला रहा हूँ पर नहीं चला रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि गोली पूरी चलाऊँ भाई ज़्यादा से इंजर्ड करूँ मारना किसी को अपना पता नहीं। और प्लीज़ भाई साहब मेरे पास यहाँ पर मेरी साइकिल खड़ी थी, साइकिल पर दिखाएंगे क्या हुआ मेरी साइकिल, कोई बार ट्राई करते पीछे की तरफ इतनी साइकिल बढ़ी कि नहीं रही यहाँ पर तो खड़ी की थी मेरी साइकिल बट कोई याद नहीं आ रहा यार साइकिल गई कहाँ पर। यार देखो यहीं खड़ी की थी ना साइकिल मैंने बट काया वो मेरे कुछ चोरी भाग गया मेरी चोर से चोरी। भाई साहब देख रहे हो, चलो कोई बात नहीं अपन जाएंगे पुलिस की गाड़ी में भाई साहब बैठ कर पुलिस की गाड़ी चोरी करके यहाँ से निकलते। बढ़िए इसके हालत देखो भाई, पहले ही सब कांच फूट चुके और टायर इतनी कमजोर है कि भाई पूछो ही मत की लग रहा है एक दो गोली में ही पंचर हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो भाई इसको लेके यहाँ से निकल चुके और अपनी हेलीकॉप्टर अपने ऊपर है भाई, बहुत ही तगड़ा सिचुएशन यहाँ पर है और पुलिस पीछे पड़ी है पागलों की तरह और हम पुलिस की गाड़ी चोरी करके भाग रहे हैं यहाँ से। भाई साहब कैसे भी निकलना पड़े एग्जिट प्लान की तरफ, एग्जिट प्लान यहाँ से थोड़ा दूर हो भाई बहुत ही गंदा ढूंका और ये भाई साहब टायर पंचर हो गई मेरी यहाँ पर। अब टायर देख रहे हो भाई दो तीन चारों ऑलमोस्ट चारों टायर पंचर हो चुके मेरे और यहाँ पर भाई मैक व्हील पे गाड़ी चल रही चारों टायर की गाड़ी पर फिर भी भाई गाड़ी मेरी आगे की तरफ बढ़ रही है। अब तो एग्जिट प्लान यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर ये गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा बट यहाँ पर रस्ते में एक्सचेंज कर लेता पुलिस गाड़ी एक और के साथ। तो ये रही पुलिस गाड़ी ऑलमोस्ट मैं एग्जिट प्लान की तरफ बढ़ रहा हूँ। भाई साहब इसको ब्रेक ही नहीं लग रहा भाई, ब्रेक गाड़ी का फेलिंग शायद से। भाई साहब बता सिचुएशन है यहाँ पर, ऊपर से कंटिन्यूसली बुलेट चल रही है, यहाँ पर ऑटो मशीन चल रही है और सामने दिख रहा है भाई साहब जो पुलिस खड़ी है उसके बाजू में एक छोटा सा टनल जाता है ना वहाँ से अपने को निकलना है वहाँ से एग्जिट। ओए भाई साहब बे यार इसकी भी पंचर हो गई भाई साहब, लेफ्ट वाला इसका भी पूरा पंचर हो चुका है भाई यार। ये रहा वो टनल जहाँ से घुसना और निकलना उसकी दूसरे एंड से भाई लॉस्ट साइड पर उसका दूसरा एंड है, यहाँ से पुलिस अंदर तो आएगी बट ज़्यादा अंदर जाने के बाद ना फुल प्लेस शुरू हो जाता भाई सब। यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग रास्ते अपन बीच के रस्ते से निकलते फटाफट, यहाँ से पुलिस को पता भी चलेगा नहीं अपन जा रहे भाई साहब। इसके देख रहे हो मैकवील पर गाड़ी चल रही भाई, ऑलमोस्ट 3 मैकवील है सिर्फ एक टायर बचा हुआ है और यहाँ से निकलते भाई बहुत ही बड़ा ये गुफा है बहुत ही बड़ी सुरंग है। तो यहाँ से निकलते और भाई साहब चार गाड़ी की वाट लग चुकी है, उड़ चुकी है ऑलमोस्ट ऐसा। और भाई गाड़ी स्टॉप
अबे यार ये तो डीजल का बाइक, पर नसीब में निकल गया उसके बाहर, बाइक में फंस गया और डीजल वैसे गाड़ी अपनी फूट गई और अब मेरे को चल के जाना पड़ेगा। एक मिनट रुको, ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है, ट्रेन आधा सर ही है, तब की देंगे ट्रेन वाले को। भाई रुक जा भाई यार, बुलेट से धमकाते भाई, भाई डर ही नहीं रहा भाई यार, पकड़ूंगा मैं पकड़ेट। अबे यार टनल भी आधा एक किलोमीटर का टनल है भाई साहब, कम से कम एक किलोमीटर को भाग के जाना पड़ेगा भाई यार, बहुत दिक्कत वाली बात है। बट चलो कोई बात नहीं, पुलिस तो छोड़ गई मेरे पीछे से, अब मेरे को यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकलना है भाई। बहुत ही बड़ा रकम भाई, बहुत ही बड़ा चोरी करके मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। अभी तो वीडियो को लाइक नहीं करे, वीडियो को लाइक कर देना प्यारा सा, और चॉप का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे चॉप लिख देना कमेंट सेक्शन में। और मैं आ चुका हूँ जहाँ से मेरा एग्जिट प्लान था वहाँ पर, मैं निकाल ऑलरेडी बाइक खड़ी रखी थी, तो यहाँ पर वो बाइक खड़ी है गाइस। इसको लेके यहाँ से निकलते और पहुँचते अपने घर की तरफ, कपड़े का रखेंगे घर पे, चेंज नहीं करेंगे कपड़े अपन इसी को रखेंगे, और जो कैश वगैरह उसको घर पे रखेंगे, थोड़े कैश अपने पास रखेंगे। जब केक ऑर्डर में भी कर दिया था वहीं पे, और भागते भागते मैंने केक ऑर्डर कर दिया था, तो केक ऑर्डर आज शाम तक 4 केक आ जाएंगे। और अब मेरे को क्या करना पता है, सिल्वर अंकल के पास जाके कोई गाड़ी अच्छी सी खरीदनी पड़ेगी लगता है बर्थडे गिफ्ट के लिए, और सब एवेंजर्स को माइकल को भी बुलाना पड़ेगा पार्टी के लिए। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे, और शिनचान और चॉप ऑलरेडी बाहर है भाई, घर में कोई नहीं है, ये अच्छी बात है यार। यहाँ से फटाफट कैश को, जो भी इतने सारे कैश है ना, उसको घर के अंदर रखते और निकलते हैं यहाँ से एवेंजर्स घर की तरफ, क्योंकि भाई एवेंजर को भी बर्थडे पार्टी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो अपने हमेशा खुश रखते हैं, अपने साथ रहते हैं, तो यार उनको बुलाना पड़ेगा पार्टी में, होगी आगे मजे करेंगे, डांस वगैरह करेंगे। तो चलते हैं शार्क मेंशन की तरफ, और शार्क मेंशन की तरफ आते ही गाइस इन लोग क्या नाच रहे भाई, यहाँ पर ऑलरेडी पार्टी चल रही है भाई, इनको पता नहीं शॉप में बर्थडे यार। अभी यार तुम लोगों को पता नहीं चाहो बर्थडे, और फ्रेंकली वो तेरे को पता है हम लोग डांस क्यों कर रहे हैं, हम डांस इसीलिए कर रहे हैं कि हम रात को पार्टी में डांस कर रहे हैं। ये मैं डांस करेगा, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज देख रहा है फ्रेंकली, रात को पार्टी में डांस ऐसे में करेगा बिचड़ी। अबे ठीक है तुम लोग पार्टी के डांस का प्रैक्टिस करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम लोग साले बकला गए हो, बिना गाने के डांस कर रहे हो, पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या चढ़ गया है, नशा विशा पता नहीं क्या पी गया है तुम लोग। बट यहाँ से मैं निकलते हैं फटाफट गाइस, आ चुका हूँ मैं सीमियन अंकल के पास, और सीमियन अंकल को बोले कि भाई सबसे यहाँ पर ज्यादा गाड़ी खड़ी नहीं। बट यार एक मिनट रुको, ब्लो वाली गाड़ी कौन सी है भाई, बहुत ही खतरनाक जहर दिख रही है। अरे सीमियन अंकल सबसे अच्छी गाड़ी आपके पास कौन सी है? अरे फ्रैंकलिन यार गाड़ी क्यों ले रहा है तू? अरे यार अपने जॉब का बर्थडे है, उसको गिफ्ट देना। अरे तो टेंशन मत ले, इसमें से जो ब्लू वाली गाड़ी है ना वो लेके चले जा 50 करोड़ में। ठीक है देखो मैं आपको पेटीएम करता हूँ 50 करोड़, और यह गाड़ी मेरा नाम पे कर देना, और ये गाड़ी को शाम को मेरे घर पे परफेक्ट 6 बजे तक पहुँचा देना। ठीक है रे फ्रेंकली पहुँचा दूंगा तो बिता जा। ठीक है यार मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जरूरी वो काम है, आप आना चाहो बर्थडे में तो आप आ सकते हो। मैं निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि जाना है माइकल के पास, और माइकल को भी बोलना है कि भाई पार्टी में आना जरूर, क्योंकि भाई माइकल भी अपना बहुत खास इंसान है, अपने घर का मैम फैमिली मेंबर है, तो मैं उसको बोलना जरूरी बनता है। तो अपन चलते हैं फटाफट माइकल के घर के पास, तो यहाँ पर आ चुके हैं माइकल के घर के पास, और माइकल है कहाँ पर? अरे माइकल ये वैंगलिंग बोलना बेड़ो, क्या बोलता तू? अरे यार तेरे को पता क्या है? अरे बेड़ो मेरे को पता है चॉप का पट्टे, इसलिए अपनी गाड़ी साफ कर रहा हूँ, आज मैं आ जाऊंगा अपने साथ फैमिली लेके, और फैमिली नहीं तो मैं पक्का जुड़ रहा हूँ पट्टी को। अरे ठीक है यार माइकल दादा, आप पे तो पूरा भरोसा है मेरे को, आपका इंतजार करूँगा मैं शाम को परफेक्ट 6-7 बजे आ जाना घर पे। मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि भाई मेरे को पूरा घर डेकोरेट करना, मैं आके ना इंसान के साथ कोई हैवी नहीं डेकोरेट करने वाला। फटाफट चलते हैं घर के पास और डेकोरेट करते घर को, भाई ऐसा डेकोरेट करूँगा लाइटिंग लगा दूंगा कि भाई किसी ने सोची ना होगी, और चौप तो कुछ हो जाएगा यार। चौप को लग रहा था उसको बर्थडे याद नहीं है, बट मेरे को उसका बर्थडे याद है भाई साहब। देख लो शाम के 5 बजने वाले और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। क्या कर रहा है फिर? किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं? टेंशन मत ले, देख तेरे क्या किया हम लोग ने ऑर्गेनाइज, मैं तेरे सुबह से बाहर इसलिए लेके गया था कि हम लोग पार्टी का ऑर्गेनाइज कर सके। ओए क्या बात कर रहा है, अरे मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन होने वाला है यहाँ पर। अरे भाई साहब ये देखो मेरा बर्थडे कितना खतरनाक बनाया फ्रैंकलिन ने। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday job. अरे जॉब क्या हाल चाल, ऐसा लगा हमारा सरप्राइज तेरे को भाई, ये देख रहे इतना पट्टे था तो हम भूले नहीं थे, और यहाँ पर मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है, यहाँ पर तेरे लिए मैंने गिफ्ट भी लाया यार, केक देख रहा तू यहाँ पर इतने बड़े बड़े केक, और यहाँ पर तेरे लिए इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ तेरे लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, कैसा लगा चौ? ब्रो फ्रैंकलिन ओए फ्रैंकलिन यार तू तो मेरा बहुत अच्छा मालिक निकला यार, आई लव यू फ्रैंकलिन। और दोस्तों तो यार चॉप का बर्थडे है यार, चॉप लोग आप भी विश करो, सपनी विश ऑलरेडी कर दिया अपने अपने लैंग्वेज में, अरे आप भी विश कर दो कमेंट सेक्शन में लिख देना चॉप हैप्पी बर्थडे यार, लव यू ऑल गाइस। स्विमिंग देखने का भी अलग मजा है यार, लाइटिंग देखो कितना ही मजा आ रहा है। वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब,
ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।